नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सूरज का महा उपाय। कहते हैं ना, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ये जीवन की घटनाएं हैं, ये क्रम आता है सबका। लेकिन अगर सूरज का नाम लेते हैं तो एक दिव्य की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, एक उजाले का प्रतीक माना जाता है, एक रोशनी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जीवन में अगर आपका सूरज अच्छा है, बलवान है, तो आप सरकार के क्षेत्र में जुड़ जाएंगे, आपके पिता के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, आपके जो पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होंगे, आत्मबल में कमी नहीं आती है, आत्मा को मजबूत करने वाला एक दिव्य रोशनी की तरह, आपको उजाले की तरह आपके चेहरे पे एक नूर होगा, और एक दूसरे से आप बातें करेंगे तो उनकी आंखों में आग डालकर बातें करेंगे। ऐसे लोग देखें तो काफी सटीक निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के लिए काफी सक्षम होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है, कभी काफी प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। अगर ये आपका सूर्य अच्छा है, जीवन में आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, धन संपदा के मालिक बना देता है आपको। लेकिन अगर सूरज की ओरा में व्यायाम करते हैं सुबह उठकर, तो एक ताजगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के उद्गम के बारे में बताती है, हमारी सेहत के बारे में बताती है, हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताती है, हमारे धन के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, हम किसी भी विचार को कितने गहरे तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे स्वभाव के बारे में बताती है कि हमारा स्वभाव कैसा है। तो आज हमने बात की है सूरज के महा उपाय की। अगर आपका सूरज खराब है ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ नीचे गिर जाएंगे। अगर ये सूरज के जो फिंगर है छोटी हो जाए, ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के नहीं होते, वो दबे दबे से रहते हैं, किसी से बातें करने में उनको शर्म लगती है। लेकिन अगर यही सूरज की फिंगर बड़ी है, आत्मबल को बढ़ा देता है, ताकत देता है, और सूर्य के ऊपर एक सूर्य की रेखा हो, जीवन की दूर की दृष्टि देखने वाले सक्षम होते हैं। और यह सूर्य का पर्वत अगर दब जाता है, कमजोर हो जाता है, आत्मबल में कमी आती है, यह हड्डियों की दिक्कत देना शुरू करता है, जो बड़े लोगों का सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिल पाता है, सरकार के क्षेत्र में नहीं जुड़ पाते हैं ऐसे लोग। और ये जब ये दब जाता है तो कई बार देखिए आपको हड्डियों में दर्द तो आएगा, साथ में आपके जो काम आज होना है वो 10 दिन बाद होता है। लेकिन अगर इसी सूरज के पर्वत के ऊपर, ये सूरज के पर्वत का एरिया है, अगर इसी पर्वत के एरिया के ऊपर क्रॉस बन जाए, ये क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है, ये सूरज की कमजोरी को दर्शाता है, और ये मान सम्मान नहीं मिलने देता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो पिता के साथ मतभेद की स्थिति होती है, बाप बेटे के साथ बनती नहीं है, किसी न किसी कारण से मतभेद की स्थिति होती है। और ये जो सूरज का पर्वत है, सूरज का पर्वत कहीं ना कहीं खिसक के शनि के पर्वत की तरफ चला जाए, तो आप देखेंगे
ऐसे लोग सुबह उठने में लेट उठते हैं, सूर्य निकलने तक सोते रहते हैं, सूर्य निकलने तक सोने से सूर्य खराब हो जाता है। और अगर आप देखें सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। और ऐसे लोगों का जो अगर यहां पर एक तिल भी बन जाए, तिल बन जाए, तिल वैसे तो कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा ही बुरा फल देना शुरू कर देता है। आपके ऊपर लक्षण लग जाता है, आपके ऊपर कह लो कि बदनामी लग जाती है, जैसे कि एक रोशनी को प्रकाश ना मिल पाना, आपके जीवन में आंच पड़ लग जाना, तो इस चीज का कारक है कि जैसे कोई भी काम आपने नहीं किया है और उसका आपके ऊपर इल्जाम लग जाना। ये इल्जाम एक बार नहीं, कई बार लगता है, बार बार लगता है, काम कोई और करता है, नाम आपका खराब होगा, बदनामी की तरफ लेके जाता है। अचानक से कोर्ट का मैटर आपके ऊपर आ जाना, अचानक से कोई ऐसी परेशानी हो जाए जिसमें आपके नाम के मान की प्रतिष्ठा की हानि होती है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको सुबह सूर्य उठने के 2 घंटे के पहले, सूर्य निकलने से 2 घंटे के बीच में आपने सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य देवता को अगर आप जल देते हैं तो सूर्य की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। सूर्य के अर्घ देना चाहिए, सूर्य मजबूत हो जाता है, जीवन में निरंतर सफलता को दिखाता है, धन की बढ़ोतरी करता है, आपको आने वाली ये परेशानियों से बचाव हो जाता है। और ये सूर्य के उरा में ही अगर आप तांबे का छल्ला रविवार के दिन धारण करते हैं तो होने वाले इन चीजों के नुकसानों से बचा जा सकता है, सूर्य की कमी को पूरी की जा सकती है। और ऐसे लोगों को देखें अगर जिसका सूर्य बलवान होता है तो सवेरे की ओरा में उठते हैं, अपने आप को एक्टिविटी में लगा देते हैं, कहीं ना कहीं उनका सूर्य बलवान होता है तो वो सरकार के क्षेत्र में भी जुड़ जाते हैं। अगर सूर्य आपका कमजोर होता है तो आपके आत्मबल में कमी ला देता है, कई बीमारियों को ये जन्म दे देता है। और अभी इसी बीमारियों के कारण आपको जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दांत की बीमारियां देता है, आंख की बीमारियां देता है और आपको तरह तरह के विघ्न बाधाओं का कारण बन जाता है। अगर देखें जिसका सूर्य बलवान होगा उसके अंदर आत्मबल में बली होगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।